साल जिंदगी कब आपकी तबाह हो जाएगी यह कोई नहीं बता पाता, बस आपको सजग रहना है, सबब रहना है। हमारा यह प्रोग्राम देखिएगा 10 की 10 तक। कुछ इसी प्रकार हुआ है यह घटना में, जैसा कि हमने बताया है, इस घटना में मरने वाली अनमोल साजन दहीवले, यह जो महिला थी, इसके साथ बड़ी ही क्रूरता के साथ यह घटना घटी। उसके ही के प्रेमी ने उसे एक होटल में बुलाया और उसकी जान ले ली। और यह पूरे मामले पर, जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारा यह प्रोग्राम केवल दर्शकों को, यह सबक का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको सजग रहने कहते हैं, सबब रहने कहते हैं। दर्शकों हो जाइए सावधान। अगर आप बना रहे हैं घर और घर में आपका घर का काम शुरू है और आपके घर में प्लम्बर, कारपेंटर, साथ ही साथ सीलिंग बनाने वाले, फर्नीचर बनाने वाले या हो गया आपके यहाँ टाइल्स लगाने वाले, तो सावधान रहिए। देखिए किस तरीके से यह एक बनता हुआ मकान, जो कि अनमोल साजन दहीवले, इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी का जो प्रेमी है वो उसकी जान का दुश्मन बन पाएगा। घटना शुरू हुई थी 2015 से। 15 में घर बनाने का काम शुरू हुआ, 16 में टाइल्स लगाने वाला जो आरोपी है मसला घूमने धनपाल, यह उस घर में पहुंचा और देखिए उसने कैसे देखते देखते एक खुशहाल जिंदगी को तबाह कर दिया। जानते हैं उसके ही जवानी साजन विठोबा दहीवले। अच्छा, आप क्या, आपका इन्हें क्या पेशा क्या है? टीचर। कहाँ है आप टीचर? गोठनगांव, आदिवासी विकास हाई स्कूल गोठनगांव। अच्छा अच्छा, आप वहाँ मुर्गा और जुनी में रहते हैं करके ऐसा हमें जानकारी? हाँ हाँ, मुर्गा और जुनी वहाँ रेसिडेंसी है, मकान वगैरह हुआ है। अच्छा, वही बना हुआ है। अच्छा अच्छा, जो आरोपी है हाँ, और आपकी जो मृत का जो पत्नी है हाँ, इनके यानी कैसे संबंध कैसे क्या थे, आप वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैंने अपना जो मकान बांधना शुरू कर दिया था हाँ, वो 2015 को, तो वो मकान पूरा हुआ 16 में, और ये मिस्त्री था स्टाइल का हाँ, तो ये स्टाइल का मिस्त्री होने के नाते इसके तरफ मेरा ठेका था हाँ, तो इस ठेके में इनका को चला होगा। अभी क्या है, मैं टीचर होने के नाते हाँ, मैं तो स्कूल में जाने वाला था हाँ, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आई अच्छा, उस वक्त। लेकिन जब ये बात मुझे समझ में आई, उस वक्त मैंने डांटा अपने मिसेस को, और उस वक्त ये काम भी पूरा हुआ था, और ये काम पूरा होने पर मैंने मिसेज को भी बोला कि उसका जो जितना है तेरा पैसा वो मुझे बता। एक ही दम पे उसे पैसा उसके पास में दे दिया हाँ। और उसको ये भी दिया कि बोला, वार्न किया कि भाई इसके बाद में मेरे घर में आने का भी नहीं, मिलने का भी नहीं, और कुछ फोन वोन करने का भी नहीं। तुझे भी लड़के है, मुझे भी लड़के है, ये एक संसार है, और किसी के संसार में बेदखलबाजी करना ये अच्छे आदमी का काम नहीं। अच्छा, कल आप जैसा जिस जगह लॉज में आप गए थे क्या वहाँ? हाँ गया था। तो वहाँ जब लाश वो उनकी आपकी मिसेज की पड़ी थी हाँ, तो आपको क्या लगा उस लाश को देखकर, कैसा है ने, ये अपराध अकेले ने किया हुआ है कि दो चार लोगों ने मिलकर? नहीं, वहाँ ऐसा लगा मुझे कि मेरे औरत के किसी ने पाँव पकड़ के रखा था, दूसरा कि यहाँ कुछ ऐसे कल ऐसे धब्बे थे थोड़े, यानी जैसा किसी से अपन का यानी बैटल होता है या फाइट होती है, झगड़ा फसाद हुआ हाँ, झगड़ा फसाद यानी फाइट यानी युद्ध जैसा मारामारी, तो ये फाइट के तरह ऐसे चिट्टे चिट्टे यानी जैसा खून वहाँ रुका है हाँ, रुक जाता है, जैसा एक ही जगह से अगर प्रेस होने से ज़्यादा, ऐसा लगा। इसीलिए किसी ने ऐसा लगता है कि किसी ने हाथ पकड़ के रखा था, किसी ने पाँव पकड़ के रखा था, और किसी ने रस्सी से खींचा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो आपकी पत्नी की जो हत्या हुई है हाँ, ये हत्या यानी किसी मकसद से की गई है कि ऑल ऑफ सडनली ये हत्या कर दी गई है, या किसी को अपना पीछा छुड़ाना था, या कुछ ऐसा? नहीं, पीछा छुड़ाने की ये बात नहीं है, लेकिन मुझे इस बात में ये लगता है कि जो मर्डरर है उसको ऐसा लग रहा था कि ये भाई मेरे ही कहने से चले, और जब इस भाई ने जब उसका विरोध किया, और विरोध करने पर ही ये किया होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। मैंने अपने भाई को भी पिछले वक्त बहुत समझाया था कि लड़के तुझे भी है, लड़के उसके भी है, और इसीलिए ये बात ठीक नहीं है। तो कल आपने और किसी आरोपियों पर है ना शक है ऐसा कुछ कंप्लेंट में लिखा है क्या, क्योंकि उसने नहीं, नहीं नहीं नहीं, वहाँ लिखा हुआ नहीं है। मैं कल अकेला ही था,
मैं थोड़ा सा डर गया था फाइटिंग फीलिंग से मेरी थोड़ी, और इसीलिए मैंने ज़्यादा यानी देखा नहीं इतना, मुझे तो सही सही यानी बोले तुम सही सही बताओ ऐसा वैसा, हाँ बोला। लेकिन मेरा ये डाउट है कि वहाँ अकेला का ही काम नहीं है, और ये मकसद से किए है उन्होंने कि कुछ नहीं कुछ तो भी अलग किए है। अच्छा, होटल जो है होटल हाँ। वाले का कहना है कि मेरे यहाँ लॉजिंग के रूम नहीं है, अभी उसने हमें स्टेटमेंट दिया है उसका भी हमने रिकॉर्ड ये किया है, उसने कहा है कि 340 रुपए का उन्होंने खाने का बिल दिया, एक बजे की घटना है, उसके बाद वो पीछे चले गए, वो टाइल्स का काम करता था ऐसा कुछ उसने बोला है हमें। तो आपको क्या लगता है, वहाँ देखने के बाद तो हमें ऐसा लगा कि लॉजिंग की व्यवस्था है, उसका कहना है कि वो जो कमरे हैं वो लॉजिंग के लिए नहीं है, कोई रहने के लिए दिए थे यानी इनके कर्मचारियों के लिए बनाए हैं ऐसा उसने बोला है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ लॉजिंग की अगर परमानेंटली व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन वहाँ लॉजिंग की व्यवस्था है, की जा रही है, हाँ की जा रही है, क्योंकि जहाँ मेरे पत्नी की लाश गिरी हुई थी वहाँ बेड था। अच्छा, बिस्तर था। हाँ बिस्तर था, पलंग था, और जॉइंट पलंग था, एक ही पलंग नहीं था। अच्छा, पुलिस विभाग ने अभी तक के उस कमरे को सील नहीं किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये नाइलाज है कि पुलिस कर्मचारियों ने उस कमरे को सील करना चाहिए, होंगे वाले अगर लगता है हमें भी है, ये खंत है हमें भी कि भाई किसी से कुछ अगर लेने से भी ऐसा हो सकता है, या किसी के प्रेशर से भी हो सकता है, कोई राजकीय नेता होगा उसके भी प्रेशर के कारण हो सकता है। मृतका अनमोल साजन दहिवले जो कि रहने वाली मूल निवासी है मोरगांव अर्जुनी की, और इनका जो प्रेम संबंध था वो धनपाल मसराम घूमने इनके साथ जब जुड़ा, इनके जो प्रेम के तार जुड़े तो इन प्रेम के तारों ने किस तरीके से इनकी जिंदगी को तबाह कर दिया, देखना यह था कि यह होटल में उन्हें बुलाता है और राज होटल नवेगांव में उसका खून करता है। आज उसका दोनों के परिवार तिनके की तरह बिखर चुके हैं। मामला दर्ज किया गया है नवेगांव बांध पुलिस स्टेशन में, जो कि अपराध क्रमांक 12/2019 रखा गया है। साजन विठोबा दहिवले इनके कहने पर इस मामले को दर्ज किया गया है, जो कि साजन विठोबा दहिवले ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें घर बनाना कितना महंगा पड़ेगा। दिनांक 27/2/2019 रोजी पोस्टे दिगोरी येथून पोस्टे आमच्या पोस्टेला नवेगाव बांध येथील पोलीस स्टेशनला ते पोस्टे दिगोरीच्या अंमलदाराने फोनद्वारे कळवले की धनपाल मनसराम हुमणे राहणार साकरा हा पोलीस स्टेशनला आलेला आहे, तो असं सांगतो आहे की माझी प्रेयसी अनमोल साजन दहिवले हीच आम्ही यथार्थ राज हॉटेल नवेगाव बांध येथील रूममध्ये पाठीमागील रूममध्ये तिचा फोन करून आलेलो आहे असं सांगत आहे। अशी माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही स्टाफसह सदर घटनास्थळी म्हणजे यथारथ राज हॉटेल नवेवान येथे गेलो, त्या सदर रूमची पाहणी केली असता या रूममध्ये एक महिलेचं प्रेत आढळून आलं। सदर महिला ही अर्जुनी मोरगावची राहणारी आहे असं समजल्यानंतर तेथील तिचे पती साजन दहिवले यांना सदर घटनेची माहिती देण्यात आली। तिचे पती घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर यथारथ राज हॉटेल या घटनास्थळी आले, त्यांना आम्ही त्या महिलेचे प्रेत दाखवले, त्यांनी ते ओळखले आणि सांगितले की ही माझी म्हणजे त्यांचीच पत्नी आहे। ओळखल्यानंतर घटनास्थळाचा पंचनामा आम्ही दोन सरकारी पंचासमक्ष केला। सदर आरोपीला आम्ही पोस्टे दिगोरीतून ताब्यात घेऊन पोस्टेला आणून अटक केली आणि फिर्यादी साजन विठोबा दहिवले यांच्या फिर्यादीवरून पोस्टे अपराध क्रमांक 12/2019 कलम 302 भादव्यानवे आरोपी धनपाल मनसराम हुमणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। दिनांक 27/2019 रोजी सदर महिलेचे प्रेत PM साठी पोस्टमॉर्टमसाठी ग्रामीण रुग्णालय नवेबांध येथे पाठवण्यात आले। आरोपींना काल 28 फेब्रुवारी रोजी आरोपींना माननीय न्यायालयात हजर करण्यात आले। माननीय न्यायालयाने पुढील 5 दिवस सदर आरोपीला पोलीस कस्टडी दिलेली आहे। आम्ही पुढील तपास करत आहोत। सजग रहिए, सबब रहिए, देखते रहिए हमारा यह प्रोग्राम 10 की दस्तक।